मसालेदार प्याज वाली भिंडी ऐसे बनाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा। यकीन मानिए, भिंडी की इससे अच्छी रेसिपी आपने पहले नहीं ट्राई की होगी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। भिंडी की मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए एक बर्तन में आधी छोटी चम्मच हल्दी ले लें, एक छोटी चम्मच आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच दही। दही इसमें ऑप्शनल है, लेकिन दही डालने से सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मसालों को दही के साथ ऐसे मिला दें। जैसे ही मसाला और दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, हम इसमें डाल देंगे भिंडी। तो भिंडी मैंने पहले से काट के रखा है। भिंडी को धो के कपड़े से या फिर सूखे टॉवल से पोंछ ले और उसके बाद ऐसे मीडियम साइज में कट कर ले। अगर आपको बड़ी भिंडी के टुकड़े नहीं पसंद है तो आप इसे थोड़ा छोटा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, दही और मसालों से इसकी कोटिंग कर देंगे, ऐसे मिला दें। तो आप बोलेंगे कि भिंडी तो ऐसी स्टिकी होती है, उसमें दही डालने का क्या मतलब है। ध्यान रखिए कि जब हम भिंडी को ऐसे तेल में फ्राई करेंगे ना, तो दही जो है वो एकदम भिंडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये हमने दही और मसालों से भिंडी को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई कैसे करना है, मतलब डीप फ्राई नहीं करना है, बस थोड़े से तेल में हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाला मैंने। तेल के गर्म होते ही हम इसमें ये भिंडी डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। अगर आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो भिंडी ज़्यादा स्टिकी दिखेगी। मीडियम या हाई फ्लेम पे अगर आप इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे ना, तो इसका स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बार जब दही और मसाले जो हैं वो ऑयल में मिक्स होंगे तो ऐसे थोड़ा सा स्टिकीनेस दिखेगा, लेकिन ये खुद ही ड्राई हो जाएगा। तो आप इसे एक दो बार ऐसे पलट के अच्छी तरह फ्राई कर लें। और ये देखिए, 2 मिनट लगे हैं भिंडी को ऐसे पकाते हुए। तो यहाँ पे ये जो दही और मसाले थे वो भिंडी में अब्जॉर्ब हो गए हैं और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। आप चाहिए तो इस भिंडी को ऐसे भी खा सकते हैं, बस इसके ऊपर थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दें। रोटी और राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको ऐसे खाना है ना, तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा और पका लें। तो ये हमारी भिंडी जो है वो फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है ना। तब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसे हम अलग रख देंगे और सेम बर्तन में हम वापस तेल गरम करेंगे। तो इस बार तेल आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें, मतलब 4 चम्मच तेल कम से कम डालें। तेल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे सौंफ। तो 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल दें और 7 से 8 काली मिर्च। सौंफ नहीं है तो आप इसकी जगह जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सौंफ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो हमें इसमें प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे लंबाई में काट के और अलग अलग कर लिया है। अब हम इसे ऐसे मिला देंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें 2 पार्ट में इस्तेमाल करना है। पहले जब ये आधा फ्राई हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे और आधे को सब्जी के साथ पकाएंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, तो आधा प्याज हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये आधा प्याज निकाल लिया है। अब बचे हुए प्याज में ना हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने मिक्सर में ब्लेंड कर लिया है, प्लांच वगैरह नहीं किया है। आप इसकी जगह रेडीमेड टमाटर की प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टमाटर को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। पेस्ट डालने से सब्जी का मसाला ज़्यादा अच्छा बनता है। तो अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। तो 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक डाल दें और इसके साथ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। यहाँ पे इतने मसाले एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मसाला वाला चाहिए तो मसाले की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इन सबको मिला दें और ढक के 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएं। टमाटर हमने कच्चा इस्तेमाल किया है, तो टमाटर को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। मसाले को हमें तब तक भुनना है जब तक कि मसालों के किनारे से तेल नहीं दिखने लगे। तो बीच बीच में इसे आप ऐसे मिक्स कर दें और पानी नहीं डालना है। लेकिन अगर आपका मसाला जो है वो चिपक रहा है या आपने नॉर्मल बर्तन लिया है नॉनस्टिक की जगह, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 मिनट हो चुके हैं और मसालों के ऊपर ऐसे तेल दिखने लगा है, ये आप देख सकते हैं, मतलब मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ भिंडी। तो मसालों को अच्छे से ऐसे मैंने स्प्रेड किया है और उसके ऊपर ये मसाले वाली जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी है ना, वो डाल देंगे और इसके साथ ये फ्राई किया हुआ प्याज। 2 से 3 हरी मिर्च आप चाहिए तो इसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। भिंडी में आमचूर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप उसकी जगह चाट मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं, बस उसकी क्वांटिटी आधी रखें। और वो भी नहीं है तो थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सबको हल्के हाथों हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, भिंडी टूटे नहीं, इस वजह से इसे हल्के हाथों मिक्स करें। अब हम इसे ऐसे ढक देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि भिंडी को हमने आधा फ्राई करते वक्त पका लिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी जो है वो बनके तैयार हो गई है। ये देखिए,
प्याज भी दिख रहा है, भिंडी भी अच्छे से पकी हुई है और सब्जी का कलर तो एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। आप चाहिए तो इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग भिंडी की सब्जी जो है वो बनके तैयार है। ये देखिए, भिंडी एक भी टूटे भी नहीं है और एकदम सही से पके हुए हैं और हरी मिर्च तो इसमें चार चांद लगा रहे हैं। तो आप इस सुपर टेस्टी अमेजिंग भिंडी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आप हर बार बनाना चाहेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।